क्या कर रहे हो? दिन भर ये खाते रहोगे या फिर जाओगे भी? कुछ काम धंधा करके राशन लाओगे भी? अरे तुम ना सुबह सुबह एकदम सर पर चढ़ जाती हो। अरे थोड़ा सा आराम से खाने तो दो, खाकर चला जाऊंगा और राशन ले आऊंगा। तुम इतना परेशान मत करो मुझे। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई है जो तुम जैसे नक्कारे से ब्याह हो गया है। इस गांव के आधा से ज्यादा लोग या तो बीमार रहते हैं या फिर तुम जैसे नक्कारे हैं। जितनी भी लड़कियां यहां ब्याह करके आई हैं, सबकी किस्मत फूट गई है। अरे ये क्या क्या कहने लगी गौरी। तुम सुन लो, अगर यहाँ पर थोड़ी देर में नहीं गए तो मैं खुद चली जाऊंगी राशन लाने, याद रखना। अरे जाना होगा वरना ये खुद से निकल जाएगी। अच्छा जाता हूँ जाता हूँ। क्या बात है, बड़े सुस्त लग रहे हो। अरे बिजली आज तबीयत एकदम अच्छी नहीं लग रही है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है खेत पे जाने का और राशन लाने का। हाँ हाँ तुम तो रोज बहुत मेहनत करते हो, आज काम करके थक गए हो लगता है, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है। छोड़ दो मत जाओ, देखती हूँ जो रसोई में होगा उसी से कुछ न कुछ बना दूंगी। हाँ बिजली आज देख लो, आज हिम्मत जवाब दे रही है, आज मेरे से ना होगा। अच्छा तुम रुको, मैं गौरी भाभी के पास से आती हूँ, शायद उनके पास कुछ हो। गौरी भाभी, गौरी भाभी। अरे बिजली। हाँ बताओ बिजली। भाभी कुछ है अगर सब्जियाँ वगैरह तो दे दो आप, चावल है सिर्फ मेरे घर में, सब्जी और चावल बनाकर कालू जी को खाने को दूंगी, कालू जी की तबीयत खराब हो गई है। अरे बिजली क्या बोलूं, मेरे तो भाग फूट गए हैं जो इस नक्कारे से ब्याह हो गया है। अभी कितना बोला है तो गया है राशन लाने के लिए और सब्जियां लाने के लिए। आने दे, अभी तो मेरे घर में भी कुछ नहीं है, आ जाएगा तो मैं पहुंचा दूंगी। अच्छा तो फिर जाती हूँ, खेतों में आलू होंगे, आलू उखाड़ कर ले आती हूँ, आलू और चावल बना दूंगी। अरे तू थोड़ी देर ठहर जाना, मैं आते ही तेरे घर पहुंचा दूंगी। अच्छा दीदी मैं जा रही हूँ, अगर आ जाए तो थोड़ी सब्जी मुझे दे देना। अरे बिजली कुछ खाने को बना है क्या? नहीं अभी कहाँ बन पाया है, मैं तो उसी के इंतजाम में लगी हूँ, पर लगता है कि अभी जाती हूँ खेत और वहाँ से आलू ले आती हूँ। अरे बिजली ये ले, सब्जी लेकर आ गए थे भैरव, अब ये ले ले बना ले तू। अरे सुन मैं कल खेतों में जाऊंगी, मेरे खेत में भी आलू उखाड़ने हैं, तू भी जाएगी क्या? कालू की हालत देखकर तो मुझे नहीं लगता है कि कालू जा पाएगा। हाँ दीदी मैं भी जाऊंगी। अरे खेत में आलू भी पड़े हुए हैं, अब उखाड़ लेना होगा वरना बारिश हो जाएगी तो सारे आलू खराब हो जाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं कल जाऊंगी खेतों में और आलू उखाड़ लाऊंगी। अच्छा चली जाना बिजली, देखना गौरी भाभी तो अक्सर जाती है, उनके साथ मिलकर उखाड़ लेना। हाँ थोड़ा पहली बार जा रही हूँ ना, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ। अरे बिजली अब बेचेगी कैसे, कालू तो बाजार नहीं जा पाएगा, क्यों ना हम दोनों ही बेच आए दीदी। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, चलो फिर चलते हैं। आलू ले लो आलू,
अच्छे वाले आलू हैं, मीठे वाले आलू हैं। अरे दो मुझे भी, 2 केजी दे दो। अरे मुझे भी 1 केजी दे दो। अरे रे रे, अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे मुस्टंडो, तुम लोग गांव के जितने छोरों हो घर चले जाओ, घर जाकर खाना बनाओ और इन छोरियों को यहाँ पे सब्जियाँ बेचने में लगा दो। अरे मौसी, क्या कह रही हो तुम? और क्या कहूँ नास पीटे, तुझे नहीं दिख रहा है इस पूरे हाट में, इस बाजार में 2 औरतें आकर सब्जियाँ भी बेच रही हैं, हाँ यहाँ का माहौल खराब कर रही है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है? हाँ भाई, ठीक तो कह रही है मीनू मौसी, यहाँ सारे मर्द हैं जो बेच रहे हैं सब्जियाँ, इन 2 औरतों को किसने घुसने दिया? हमें तो यहाँ घुसने ही नहीं देना चाहिए, ये तो बाजार का माहौल खराब कर देंगी। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, कालू जी बीमार है इसलिए मैं यहाँ सब्जियाँ बेचने आई हूँ, इसमें माहौल खराब करने वाली क्या बात है? अरे रे रे, देखो देखो कैसे बोल रही है ये, बताओ जुबान लड़ा रही है। इन दोनों को देखकर मधुमक्खी की तरह पंछी आए और सारे आलू लेकर चले गए, हाँ ये माहौल बिगाड़ना नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो देख मंगरू के आलू पड़े हुए हैं, वो देख भोले के आलू पड़े हुए हैं, सबके आलू पड़े हुए हैं, इन दोनों छोरियों के आलू आते ही बिक गए। हाँ भाई हाँ, ठीक कह रही है मीनू मौसी, ऐसे नहीं चलेगा। ए तुम दोनों यहाँ पर अपने ये सब्जी वब्जी बेचने मत आया करो, घर में रहकर घर के काम करो, औरतों को घर का काम ही करना चाहिए, बाहर का काम करने की जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, हाँ मेरे पति बीमार है, मेरा घर कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, आप लोग चलाएंगे? वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये हाट मर्दों का है, यहाँ सिर्फ हम लोग आते हैं, यहाँ अगर तुम्हें बेचना है तो अपने पति को भेजो, और तुम दोनों को अपने अपने घरों में चूल्हा चौका संभालो। हम तो कल यहीं आएंगे, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, चलो फिर मुखिया जी के पास, पंचायत में चलो, चलो औरतों तुम सब चलो यहाँ से। अरे क्या बात है, एकदम सेना बनाकर चले आए हो इतने सारे, अब मुखिया जी आप ही फैसला कीजिए, ये दोनों औरतों ने हाट का माहौल खराब करके रखा हुआ है। क्या हो गया, ये दोनों औरतें घर का काम काज छोड़ हम मर्दों के बीच आकर बेच रही हैं। मेरे पति बीमार है, मैं सब्जियां नहीं बेचूंगी तो फिर कौन बेचेगा? देखो मुझे तो दोनों की ही बात अपनी अपनी जगह सही लगती है, एक काम करना होगा जिससे दोनों का घर चले। सुनो भाई, हाट के 2 हिस्से कर देता हूँ, एक हिस्से में जितने मर्द हैं वो लगाएंगे हाट, और दूसरे हिस्से में गांव की जो भी औरतें हैं, चाहे 2 हो 4 हो 8 हो 12 हो, जो चाहे वो हाट लगा सकती हैं। यहाँ पर बरोबर का हक मिलेगा दोनों को, अब खरीदारों पर निर्भर है कि खरीदने वाले किससे खरीदेंगे, ठीक है ना? ये बहुत अच्छा कर दिया आपने मालिक, ये बढ़िया है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और गांव की और भी औरतें निकलकर कम से कम हाट में सामान तो बेच पाएंगी ना। हाँ चलो अब चलो अपने अपने घर चलो। दीदी कल मुहियों, तुम लोगों ने आखिर नया हाट खुलवा लिया है, मैं तो सोच रही थी कि तुम लोग अपने अपने घर में चूल्हा चौका संभालोगी, लेकिन नास पीटियों तुम लोग घर से बाहर आ ही गई,
अरे मौसी, तुम्हारी तो उम्र गुजर गई है, एक पाँव कब्र में लटक रहे हैं, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो। देखो, तुमने गड्ढा खोदा, लेकिन उस गड्ढे में तुम खुद ही गिरी और हम लोगों के लिए अच्छा हो गया। सुनो बहनों, इसको ना कोई भी चीज डबल दाम बता कर ही देना। अरे रे रे, हाँ, मेरे मुंह पे खुल्लम खुल्ला ये बातें कह रही है तू। मौसी, चीज मेरी है, सामान मेरा है, दाम भी मेरा होगा। मेरी मर्जी, एक रुपए में दूँ, 100 रुपए में दूँ या 200 रुपए में दूँ। समझ गई मैं, अब समझ गई। दे दे मुझे 1 केजी आलू, 200 रुपए लगेंगे मौसी। अरे कितना परेशान करेगी, समझ गई मैं, अब तो छोड़ दे। छोड़ दो दीदी, दे दो ना, अब ये बूढ़ी ऐसी ही है, ये कभी बदलने वाली नहीं है, हमेशा से ये ऐसी है, ऐसी ही रहेगी। अरे रे रे, कल मुहा घर में पड़ा हुआ है। अरे मौसी, आओ आओ, अब तो मेरी तबीयत भी अब ठीक होने लगी है। अरे कलमुहे, अपनी बीवी को भेज दिया है तूने बाजार लगाना, क्या ये अच्छा लगता है? अरे मौसी, तुम खाओ पियो मस्त रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हारा दिमाग सिकुड़ता जा रहा है। अब मैं बीमार था, अगर वो घर ना संभालती तो मेरा क्या होता, मैं तो बीमारी में ही मर जाता। तुम्हारी बातों में अगर रहा तब तो हो गया, लेकिन हाँ, मैं काम चोर नहीं हूँ, अब ठीक हो रहा हूँ, अगले दिन से ही काम पर लग जाऊंगा। हाँ, मेरी तो कोई सुनता भी नहीं है। हाँ, जाना होगा, चलो वापस अपने घर पे। आ गई बुढ़िया। हाँ, दिन भर इसकी शिकायत उसकी शिकायत उसकी शिकायत, घर में काम धंधा तो है नहीं तुम्हारा। अरे रे रे, मेरी रही सही इज्जत क्या बदनाम करा देगी मुझे। चल चल चल, सब काम कर दूंगी मैं, तू परेशान मत हो, ये डंडा बात बात पर मत उठाया कर, जा जाके आराम कर, चुपचाप खाना बना दिया है, खा ले और सो, दिन भर घूमती रहती है। हाय हाय, मेरी बहू से अच्छे तो ये बाहर वाले हैं, कम से कम मेरी बात तो सुनते हैं, ये तो बात बात पे डंडा उठा लेती है। लेकिन पहले ऐसी नहीं थी मेरी बहू, कितनी अच्छी थी, एकदम बढ़िया थी। अरे सुन रही है, जा जल्दी से एक मटका पानी लेकर आ। आ रही हूँ बहू, आ रही हूँ। अरे मीनू, मटका लेकर आई है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, क्या बोलूं झुमरी, बहू थोड़ी नाजुक है मेरी। सुना है मैंने, लेकिन सुन, खराब तूने ही किया है उसे, वो बेचारी तो कितनी अच्छी थी, शुरू शुरू में तूने उसे बहुत परेशान किया है, जिसकी वजह से अब वो भी बदल गई है। अरे सब मुझे ही दोष देते हैं, कुछ भी करो कुछ भी कहो, मेरी ही गलती निकलती है, ऐसा लगता है मैं ही गलत हूँ, बाकी सब तो दूध के दूल्हे हैं। चल मीनू, मैं जा रही हूँ, तुझे समझाने से कोई फायदा नहीं है, तू एकदम कुत्ते की पूंछ की तरह है, कभी सीधी नहीं होगी। हाँ हाँ, सुना ले तू भी, बचपन की सहेली जो है, जो मन में आए बोलकर निकल जाती है। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। सोए रहोगे, जागोगे भी? अरे क्या हो गया बिजली, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, घर में ना सब्जियां हैं ना राशन है, क्या खाओगे, दिन भर पड़े रहोगे, कुछ खाओगे भी? अरे दो थैला दो, इस बारिश में भी तुम्हें सब्जियों की पड़ी है, जाता हूँ देखता हूँ अगर बाजार में कोई बेचने के लिए बैठा होगा तो। अरे सब बैठे होंगे, तुम्हारी तरह सब घर में नहीं पड़े हैं, सबको रोजी रोजगार चलाना है, 15 दिन से बारिश हो रही है,
क्या करेंगे लोग, काम धंधा बंद कर देंगे क्या? अच्छा अच्छा, थैला दो, जा रहा हूँ, देखता हूँ पैसे हैं क्या। 50 रुपए हैं, ये लो 50 रुपए। अच्छा दो। अरे गुन्नू भाई, थोड़ी सब्जियाँ दे दोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं दे दूंगा, लेकिन ये 50 रुपए केजी है, ये 60 रुपए केजी है और ये 100 रुपए केजी है, क्या चाहिए बताओ। अरे मैं तो मात्र 50 रुपए लेकर निकला हूँ, मुझे आटा भी लेना है, चावल भी लेना है और थोड़ी सब्जियाँ भी चाहिए थी। ऐसा करो ना, आज तुम मुझे यूं ही मुफ्त में सब्जियाँ दे दो, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें चुका दूंगा। अरे क्या बात करते हो कालू भाई, हैं? सुबह सुबह मेरा ही दुकान मिला था आकर खड़ा होने के लिए, एक तो बहनी नहीं हुई है, ऊपर से तुम आकर खड़े हो गए। चलो किसी और की दुकान में देखो, 15 दिन से बारिश हो रही है, सब लोग चाह रहे हैं कुछ पैसे की आमदनी हो और तुम उल्टा। चलो आगे आगे बढ़ो भैया। अरे भाई अब कहाँ जाऊँ, देखता हूँ मीनू मौसी के पास। अरे रे रे, कल मुआ मेरी दुकान में आने की जरूरत नहीं है, मैं सुन चुकी हूँ तुम्हारे पास पैसे वैसे नहीं है, जा 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 किसी और दुकान में जा। अरे ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ भगा रहे हैं, ये तो बहुत बुरे हैं। मंगरू भाई, 1 केजी आटा मिलेगा क्या? हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं मिलेगा, और चावल भी मिल जाएगा क्या? अरे सब कुछ है, बोलो ना भैया, पैसे होने चाहिए बस, उधारी में नहीं देता अब, इसीलिए पूरे पैसे लेता हूँ, पैसे हैं ना? और 50 रुपए ही है मेरे पास, तो फिर सिर्फ आटा ले जाओ ना, चावल ले जाने की क्या जरूरत है। अच्छा दे दो भाई, सुबह सुबह वैसे ही मैं बहुत डांट खा चुका हूँ और डांट नहीं खाने की इच्छा है। हाँ हाँ भैया, ले जाओ ले जाओ। अरे आ गए तुम, तब से इंतजार कर रही थी, कुछ खाने का बनाऊंगी। ये लो। अरे इसमें सब्जियां तो दिख नहीं रही है। अरे बिजली, 50 रुपए में बाजार खरीद कर नहीं ला सकता हूँ। हाँ तुम्हें नहीं समझ में आता है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है और ऐसे में तुम्हें सहना होगा, इस तरीके से तुम चाहोगी तो नहीं होगा, सब कुछ नहीं मिल सकता है। अरे इतना नाराज क्यों हो रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं रोटी ही पका लूंगी, तुम इतना परेशान मत हो। अरे मैं बहुत भूखी हूँ, 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद करो, कुछ खाने को दे दो। ये लो, ये अम्मा भी। अम्मा एक तो कोढ़ है, ऊपर से खाज बनकर चली आई हो तुम। अरे ऐसा है तो मैं जा रही हूँ, बेटा है तो खाने दे, नहीं है तो मैं जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मा, इनकी बातों में मत जाओ, ये तो बिल्कुल जले भुने हुए हैं, लगता है बाजार में बहुतों ने बहुत कुछ बोल दिया है, तुम बैठो यहाँ पर, मैं अभी रोटियाँ बनाती हूँ, तुम्हें भी रोटियाँ दूंगी, जितना है उतना में ही बांट कर खाऊंगी। अच्छा बिटिया। अरे बेटा तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है, क्यों तम तम आया हुआ है? अम्मा क्या बोलूं, काम करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता है, 50 रुपए थे जेब में, गया था सब्जियाँ लाने के लिए, किसी ने उधारी नहीं दिया, सब जानते हैं पैसे मैं लौटा नहीं पाऊंगा। अरे तो तू कोई अच्छा काम क्यों नहीं करता? क्या काम करूँ अम्मा, समझ में नहीं आता है, खेत है लेकिन बारिश की वजह से
खेतों में अभी काम नहीं हो रहा है और बाजार जाओ इतना दाम है कि कुछ खरीद कर ला भी नहीं पाता हूँ। अच्छा, ये लो अम्मा, खाओ तुम। अरे तुम लोग नहीं खाओगे? अम्मा पहले तुम खा लो अच्छे से, फिर जो बचेगा वो हम खा लेंगे। अच्छा अम्मा, अच्छी खासी रोटियां खा जाती है। अब तो लगता है जल्दी जल्दी में मैंने सारी रोटियां खा ली। अरे अम्मा कोई बात नहीं है, खाली तो खाली, हमारे भाग्य में भूखे रहना ही लिखा है। कोई बात नहीं है, कम से कम तुम्हारा पेट तो भराना। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ दे कर जाऊंगी जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ये लो, ये अलग अलग पौधों के बीज हैं, इनकी सब्जियां उगाना, कभी कोई सब्जी कम नहीं होगी। तुम चाहे जितनी सब्जी उगाओ, तुम्हें सब्जियों की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बिजली, एक भी रोटी बची हुई है तो आधी मुझे दे दो, भूख लगी है। हाँ जी, जाती हूँ, देखती हूँ कुछ बचा है कि नहीं। अरे ये सब इतना कुछ, अजी अंदर आओ, देखो तो ये क्या है। अरे अब क्या हो गया? अरे वो अम्मा तो लगता है जादुई अम्मा थी, देखो घर में सारी चीजें हैं। अरे वाह, दो बिजली, भूख लगी है, बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट खाना देखा है। मुंह में पानी आ रहा है बिजली, जल्दी दो। अरे ये खाना तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बारिश के मौसम में अभी लोगों के पास खाने पीने की दिक्कतें हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ, सबको खाने का न्योता दे देता हूँ। हाँ हाँ दे दो, वो बढ़िया रहेगा। अरे भाई कालू, अब माफ कर देना मुझे, उस दिन मैंने तेरी बड़ी बेइज्जती की। अरे नहीं भाई, वो तो समय समय की बात है, समय ही सब करवाता है, तू और मैं कौन है, चल खा ले। अरे रे कलमुहा, सुना तेरे यहाँ बड़ा अच्छा खाने को मिल रहा है, भूख लगी है, सोचा चली आऊं, गलत किया क्या? अरे नहीं नहीं मौसी, एकदम सही किया, अच्छा किया। अरे मुझे तो डर लग रहा था, मुझे लग रहा था तू उस दिन की बात से नाराज होगा, अब मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। अरे नहीं मौसी, मैं पुरानी बातें याद नहीं रखता, आराम से खाओ। देखो ऐसे पंछियों की आदत खराब करना तो ठीक नहीं है, ये पंछी फिर आलसी हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। बारिश रुकने दो, मैं अपने खेत में सब्जियां लगाऊंगा और सस्ते दरों पर सब्जियां बाजार में बिकवाऊंगा, जिससे पंछियों को सस्ते सस्ती सब्जियां मिल जाए।
अरे बिजली, मैं फसलें तो उगा रहा हूँ, सब्जियाँ भी उगा रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ एक तालाब खरीद लूँ और उसमें मछलियाँ भी पैदा करूँ। सस्ती मछली भी लोगों को मिलेंगी, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो, ऐसा कर सकते हैं। अब मेरा बाजार पूरा हुआ, सब्जी भी मछली भी सब सस्ते में, और अब गांव वालों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सब बहुत ही अच्छे से रहने लगे।